श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अध्याय 27 त्रिशरा का वध। खर को भगवान श्रीराम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षसराज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या यही सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशिरा ने इस प्रकार खर को राजी किया तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वो श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशिरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वो तीन शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाणरूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में ग्रहण किया अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशिरा ने तीन बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींद डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके, वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो, पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्रीराम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदनंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्रीराम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्रीराम ने अमर्श में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सम्रांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया।